फीका और बहुत फीका पड़ गया, तो एक सीट के भी लाले पड़ते हुए दिख रहे हैं फिलहाल। दुष्यंत को झटका लगा है, मैं देख रहा हूँ कि दुष्यंत खुद हार रहे हैं, उनके भाई दिग्विजय भी हार रहे हैं। एक सीट का मतलब टोटा है इनके लिए कि एक सीट भी नहीं आ पा रही है। तो बीजेपी से जो जो अलग हुए, अब ये अलग हुए, दूसरा आप विनेश फोगाट को देखिए कि विनेश फोगाट को इसलिए कांग्रेस ने मैदान में खड़ा किया, विनेश फोगाट ने पहलवानों की एक बड़ी लड़ाई लड़ी और इस तरीके से चुनाव में माहौल पैदा किया गया कि विनेश फोगाट वर्सेस बीजेपी है। यह पहलवानों का पूरा मामला जो है वो केंद्र की सरकार बनाम पहलवान थे और उसको आप हरियाणा में लेके गए, विनेश फोगाट हार रही है। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को छोड़ा, दुष्यंत चौटाला समूल पार्टी हार रहे हैं। मैं अभय चौटाला नहीं कहूँगा, अभय चौटाला के बेटे जीत रहे हैं, लेकिन INLD जो है उसकी गुंजाइश है, JJP गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो ये अगर बीजेपी के हक में कोई माहौल है और ऐसे है कि 46 सीटें अभी उसके पास हैं, बहुमत का आंकड़ा जो होता है उस पर बीजेपी खड़ी है 10 साल की सरकार के बाद, तो कुछ ना कुछ तो है। राहुल अभी मेरे पास आया, पता नहीं राहुल का ऑडियो अभी काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन राहुल कैसे देख रहे हरियाणा को आप? ठीक है, इसके साथ ही देखिए कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, एक बार रिएक्शंस भी सुन लेते हैं। आनंद सिंह हमारे संवाददाता ने बात की है कुमारी शैलजा से, कुमारी शैलजा की तरफ से क्या कुछ कहा गया जो अभी स्थितियां फिलहाल हरियाणा को लेकर। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और CWC मेंबर कुमारी शैलजा जी। कुमारी शैलजा जी, लगातार सुबह से कांग्रेस के दफ्तर पे सेलिब्रेशंस हो रही थी और लड्डू बांटे जा रहे थे, जलेबी बांटे जा रहे थे, तो फिर से रुझान बदले हैं, अब क्या लग रहा है? देखिए शब्द यही है, रुझान। अभी ये रुझान चल रहे हैं, काउंटिंग चल रही है, अभी बहुत बहुत से राउंड बचे हैं और इन राउंड्स में आप देखेंगे आगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा कांग्रेस की सरकार बनती हुई आपको नजर आ जाएगी। बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है लगातार 2.5 घंटे के रुझान के बाद। दिस इज रुझान, आप रुझान की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो होगा वो आप देख लेंगे। कल आपने बताया था कि करीब 60 से ऊपर सीटें कांग्रेस को आएंगी, मगर अभी 36 के आंकड़ों पे कांग्रेस पहुंची है। वर्तमान में अभी काउंटिंग चल रही है। तो क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। क्या लगता है मैम कि जिस तरह से आपने भी बोला था कि एक दलित और महिला CM भी हो सकती हैं, तो क्या CM फैक्टर उतना बड़ा एक रोल प्ले किया है कि जिस तरह से नतीजे इस तरह से अभी आ रहे हैं? अब मैं, हम सब ने मिलकर ये चुनाव लड़ा है और आगे नतीजे आएंगे उसमें आप देख लेंगे। और क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में आपके तो बहुत रहे, आपसे कई बार हमारी बात हुई हरियाणा के साथ, जो भाजपा ने 10 साल सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार चलाई लेकिन हरियाणा के लोगों को कुछ मिला नहीं, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आए, हरियाणा की ओर कोई ध्यान नहीं आया, ऐसा लगता था कि कोई नेतृत्व ही नहीं है हरियाणा में, सरकार कैसे चल रही है, ज़मीन पर लोग दुखी थे, सब लोग दुखी थे, तो उसका नतीजा देखेंगे। तो शाम तक के लिए फिर क्या आप कहेंगे? मैं भी यही हूँ, आप भी यहीं आइए, शाम को मिलेंगे। तो सरकार कांग्रेस बना रही? सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो ये थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी संजय, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि ये अभी सिर्फ एक रुझान है और दिन ढलने तक जो है कांग्रेस वापस से वहां पे हरियाणा में सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ आनंद सिंह। तो कुमारी शैलजा को आप सुन रहे थे, कुमारी शैलजा वही नेता हैं कांग्रेस की जो जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ था हरियाणा में वो नाराज थी, उनकी नाराजगी हर मंच पर दिख रही थी, फिर बाद में बिल्कुल एंड ऑफ सितंबर में नजर आती है कुमारी शैलजा राहुल गांधी के मंच पर और तब ये क्लियर होता है कि नहीं भाई अब कुमारी शैलजा नाराज नहीं है, कम से कम पिक्चर एक वहां पर दिखाई गई थी। वो कुमारी शैलजा अब ये दावा कर रही हैं कि नतीजे बदलेंगे, आंकड़े बदलेंगे और